एमपी यूपी, जब एमपी की नदियां पढ़ेंगे तो मैप से देखेंगे कि कहां कहां ये है। अभी तो डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं, जब नदियां पढ़ेंगे तो मैप से देखेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। खाली एमपी का मैप ले आए हो? खाली एमपी के मैप ले आओ, एक रुपए का मिलता है और 50 पैसे में करवा डालो उसकी बहुत सारी फोटो कॉपी। एक रुपए का मैप लाओ, 100 रुपए के 100 मैप मत खरीदो, 50 रुपए की 100 फोटोकॉपी करा लो उसकी। अब क्या करो, शेड्यूल देखो कहाँ पर है और उसमें एरो बना के देखो कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन क्या है, ये खुद से लिख कर देखो क्या तुम्हें पूरा शेड्यूल के पॉइंट याद है कि नहीं। एमपी का मैप लाओ, शेड्यूल में कहाँ कोयला मिलता है, ये सब खुद डेली दिन भर करते रहो तो याद हो जाएगा। और जिसको वो मैप के पूरे लिख लिख के दे दोगे वो धन्य हो जाएगा, बोले ले लो, है ना। तुम लिख लिख के उसको बांटते रहो, फायदा किसका होगा, जिसको मिल गया कि जो लिख रहा है, जो लिख रहा है उसका फायदा है, पर देखने में ऐसा लगेगा वाह इतनी मेहनत करके हमें मिल रहा है, बना बनाया, उसको फायदा नहीं है। जो लिख ले रहा है बिना देखे खुद लिख रहा है उसको फायदा है इसलिए। लेकिन तुम जिसको दोगे वो खुश हो जाएगा, बोले कैसा पागल मेहनत करके मुझे दे रहा है, उसे नहीं पता याद किसको हो रहा है। इसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट की कौन सी सदस्य, पूजा वस्त्रकार, पूजा वस्त्रकार कहां की है, शहडोल की है। अब अनूपपुर देखा था हमने, एक शहडोल से अलग हुआ था 15 अगस्त 2003 को। अनूपपुर में जो सबसे फेमस जगह है वो अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 नदियां निकल रही थी, क्या पेन चलेगा, इसमें पेन नहीं चलता, करप्ट फाइल है क्या, इससे पेन चलता है नहीं चलता, नहीं इसमें कलर नहीं है, जिंदगी बेरंग है, देखो ना कलर कहाँ है। जो भी हो चलो, 3 नदियां कौन कौन सी थी, नर्मदा, सोन और जोहिला। जोहिला नदी कहां से निकल रही, जोहिलेश्वर से। लड़ाई चल रही है किसकी किसकी, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में लड़ाई किस मंदिर को लेकर, वहां से कौन सी नदी, नर्मदा नदी कहां से निकलती है, नर्मदा कुंड से, और सोन नदी कहां से निकलती है, सोन कुंड से। तो 2 कुंड से, 1 शिवजी के मंदिर से, और जोहिला निकल रही है शिवजी के मंदिर से। और मंदिर है भैया विवादित, सब कहते हैं भैया हमारा मंदिर है, ठीक है। तो वो जगह जिसे किरार घाटी बोलते हैं वो विवादित है। अब देखो, जब नर्मदा नदी अनूपपुर से निकलती है तो निकलते ही 2 प्रपात बनाती है, 2 वाटरफॉल बनाती है, 2 झरने बनाती है, दुग्धधारा और कपिलधारा। तो अनूपपुर के अमरकंटक में नर्मदा नदी निकालती है, कुछ ही किलोमीटर चलती है, उस पर 2 वाटरफॉल है, एक कपिलधारा और एक दुग्धधारा। तो अनूपपुर में ही नर्मदा नदी के 2 वाटरफॉल है, एक कपिलधारा है और एक दुग्धधारा। तो कपिलधारा और दुग्धधारा, क्योंकि धुआंधार जबलपुर में, आपसे पूछे धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है, जबलपुर, वो भी नर्मदा पे, तो धुआंधारा भी वही है। तो कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधारा, ये सब किस में है, नर्मदा में। कपिलधारा, दुग्धधारा अनूपपुर में, अमरकंटक में, और धुआंधार कहां पर है, मेड़ाघाट। इसके अलावा शंभुधारा, पंचधारा, ये सब वही है, दूनी पानी। तो कपिलधारा, दुग्धधारा, शंभुधारा, पंचधारा और दूनी पानी, ये सारे नर्मदा पर वाटरफॉल है, सारे के सारे अनूपपुर पे। याद हो गए कौन कौन से अनूपपुर में, कपिलधारा, दुग्धधारा, शंभुधारा, पंचधारा, धुनी पानी, ये सब नर्मदा नदी के वाटरफॉल है, सबके सब अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। याद हो गए, तो नर्मदा नदी नर्मदा कुंड से निकलती है, इस पे कई वाटरफॉल है, कई झरने हैं। कपिलधारा पहले मिलेगा, फिर दुग्धधारा मिलेगा, फिर शंभुधारा मिलेगा, फिर पंचधारा मिलेगा, और फिर धुनी पानी मिलेगा। इसके बाद तो नर्मदा नदी के बारे में पता ही चल गया। इसके बाद नर्मदा नदी का यहां नहीं देखा, बाकी आगे चल के देखेंगे। सोन नदी, सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक के सोनकुंड से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से सेड उससे अनूपपुर से निकलती है, और इस पर एक सीधी जिले में बॉर्डर में क्या मिलता है, घड़ियाल अभ्यारण्य। सोन नदी पे आगे कौन सी नदी मिल जाती है, जोहिला नदी मिल जाती है। जोहिला नदी, जोहिला नदी कहां से निकलती है, जोहिलेश्वर मंदिर। चलो अब अगला, अमरकंटक में ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, आदिवासियों के लिए पहली यूनिवर्सिटी है अमरकंटक में, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में। तो अमरकंटक में 3 नदियां हैं,
अमरकंटक में कई सारे वाटरफॉल हैं, अमरकंटक में इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी में एक चबूतरा है जिस पर कबीर साधना करते थे, उसका नाम कबीर चबूतरा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चबूतरा जिसका नाम है कबीर चबूतरा, और इसी चबूतरे में उनकी और गुरु नानक जी की बातचीत हुई थी। तो कबीर चबूतरा भी अमरकंटक में बहुत फेमस है, समझ में आ गया। और जैनियों का जो महाकुंभ मनाया जाता है वो अमरकंटक में मनाया जाता है। तो नर्मदा नदी हिंदू देवी देवताओं के लिए है, कबीर चबूतरा कबीर पंथियों के लिए है, और जैनियों का महाकुंभ भी कहाँ होता है, और आदिवासियों की यूनिवर्सिटी भी है, अमरकंटक जनजाति विश्वविद्यालय। इसके बाद ग्राम पंचायत, राजीव गांधी ग्राम पंचायत प्रशिक्षण संस्थान। तो जितने भी अधिकारी हैं जिनकी ग्राम पंचायत में ड्यूटी लगती है, जैसे ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी वगैरह होती है, उन अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग अमरकंटक में होती है। ग्राम राजीव गांधी, पूरा नाम है राजीव गांधी ग्राम पंचायत प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, इसके बाद भारतीय निशानेबाज ओमकार सिंह, ये भी अनूपपुर अमरकंटक से, ये भी कहां पर है, अनूपपुर के। तो ये ओमकार सिंह है जिन्होंने 2010 में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था, ये भी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के, अनूपपुर वही अमरकंटक वाला। तो अमरकंटक धार्मिक स्थल है, अमरकंटक के कौन है, ओमकार सिंह। शहडोल से कौन सी खिलाड़ी थी, पूजा वस्त्र, वो शहडोल से थी, वो क्रिकेट खेलती है। ओमकार सिंह शूटिंग में 2010 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत चुके। तो ओमकार सिंह किस डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से। अनूपपुर में सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस कौन सा है, अमरकंटक। चलो इसके बाद बनीता दास, इस साल 2022 में अनूपपुर की एक बच्ची है बनीता दास, उनको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला है। तो स्टूडेंट्स को मिलता रहता है, तुम लोगों को शायद मिले कभी। तो बनीता दास को 2022 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था, वो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से ही थी, याद रहेगा। इसके अलावा प्रसाद योजना, जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनके लिए प्रसाद योजना, पूरा नाम पिलग्रिमेज से शुरू है, पी फॉर पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थल। तो जितने भी मध्य भारत के पूरे तीर्थ स्थल हैं उनका विकास करने के लिए कौन सी योजना शुरू हुई है, प्रसाद योजना। इसमें गया भी है क्योंकि जितने बौद्ध टूरिस्ट है वो गया जाएंगे, सांची भी है क्योंकि बौद्ध सांची भी आएंगे। तो प्रसाद योजना में अमरकंटक को भी शामिल कर लिया गया। तो अमरकंटक जो अनूपपुर का अमरकंटक है वो किस स्कीम में शामिल कर लिया है, प्रसाद योजना। किससे रिलेटेड है, टूरिज्म से रिलेटेड। तो प्रसाद योजना, इसके बाद और हाँ वो मरिया गया। तो अमरकंटक अनूपपुर में क्या क्या याद करना, अनूपपुर 15 अगस्त 2003 को किससे अलग हुआ था, अनूपपुर में सबसे फेमस जगह कौन सी है, कितनी नदियां निकलती हैं, कौन कौन, नर्मदा कहां से निकलती है, सोन, जोइला, जोइलेसर किस राज्य में है, विवादित प्रॉपर्टी है ना, शंकर जी विवादित हैं, विवाद चल रहा है उनको लेकर। इसके बाद नर्मदा नदी पर कौन कौन से झरने हैं, कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, पंचधारा, धूनी पानी, ये सब कहां पर है, अमरकंटक। ठीक है, याद हो गया। इसके अलावा अनूपपुर से कौन से खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ओमकार सिंह। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, याद है, कोई समस्या। अब उमरिया, उमरिया बघेलों की नगरी है, उमरिया बघेल। तो जो रीवा के बघेल है उनका शासन उमरिया तक है, अगर रीवा दिख रहा होगा, रीवा से बहुत दूर उमरिया नहीं है, दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है, मैप रट डालो, अभी भी बोल रहे कि नागिन के जैसे मैप को बसा लो, नागिन 100 साल तक नहीं भूलती, बदला लेके रहती है, वो एक बार देखती है और वो दुश्मन उसको 100 साल तक याद रहता है। तो नागिन फिल्मों में तो यही बताते, नागिन मूवी देख लो, जानी दुश्मन देख लो, सब में बदला लिया है और नागिन ही जीतती है, और एकता कपूर ने पूरा सीरियल ही बना दिया, नागिन पार्ट 1 2 3, उनमें बदला ही पूरा नहीं हो रहा, इतनी स्टाइलिश नागिन आ चुकी हैं। ठीक है, तो जो रीवा के बघेल राजा होते थे उन्हीं के नाम पर बघेल खंड बन गया, जिस क्षेत्र पर बघेलों ने राजा राज किया उसी का नाम क्या हो गया, जहां बुंदेलों ने राज किया वो क्या हो गया, बुंदेलखंड। तो बघेल राजा रीवा उनकी राजधानी थी, पर उनकी एक राजधानी उमरिया भी रह चुकी है।
कब रही? तो रीवा के राजा थे एक रामचंद्र, उनके यहां तानसेन बहुत अच्छा गाते थे। ठीक है, तो अकबर ने को भेजा जलाल खां को और बोला तानसेन हमको चाहिए। अब रामचंद्र में इतनी हिम्मत तो नहीं मना कर दे, तो रामचंद्र ने दे दिया। तो रीवा के बघेल राजा रामचंद्र ने अकबर को किसको सौंप दिया? तानसेन को। तानसेन को सौंप दिया कि भैया तुम जाओ। अब रामचंद्र को लगा आज तानसेन मांगा, कल पता क्या मांग ले। तो ऐसा करते हैं, किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी रीवा से बदल के क्या लाए? उमरिया। तो बघेल राजा रामचंद्र की राजधानी उमरिया ही थी। समझ में आ गया? क्लियर। तो उमरिया, उमरिया में एक फेमस जगह है बांधवगढ़। वो बहुत ऊंचा किला है, पहाड़ियों से घिरा हुआ। तो उमरिया में एक जगह है बांधवगढ़, वो राजधानी थी। इसके बाद जहांगीर ने बांधवगढ़ ले लिया, बोले बांधवगढ़ हमको चाहिए। तो अकबर ने तानसेन मांग लिया, अकबर के बेटे जहांगीर ने, तब जाके इनकी कैपिटल रीवा हुई। तो पहले गहोरा थी, फिर बांधवगढ़ हुई, फिर जाके रीवा हुई, और लास्ट आजादी तक बघेलों की राजधानी क्या रही? रीवा। तो उमरिया इसलिए फेमस है कि उमरिया का जो बांधवगढ़ है वो रामा राजा रामचंद्र की राजधानी रहा। राजा रामचंद्र किसके समय के थे? अकबर। तानसेन अकबर के दरबार में जाने से पहले किसके दरबार में गाते थे? हाँ, तो पहले तानसेन को कोई नहीं जानता था, पर जब वो नेशनल लेवल में आ गए, स्टेट लेवल से, तब उन्हें पहचान। वो मेघ राग से क्या करते थे? बानी बरसा देते थे। दीपक राग से दीपक जला देते थे। उनकी मृत्यु भी दीपक राग की वजह से हुई थी। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने अपनी बेटियों को सिखाया था मेघ राग, और उन्हें कहा मैं दीपक राग मैंने जला के आग जला लूंगा अपने में, तो मैं मेघ राग गा के मुझे बुझाना, ऐसे लिखा है उसमें। तो तानसेन ने गाया दीपक राग, और तानसेन में जलने लगी ज्वालाएं। उन्हें कहा बेटियों शुरू हो जाओ, उन्हें अपनी बेटियों पे कॉन्फिडेंस था। बेटी का एक दो स्वर हिल गया और बादल में पानी नहीं बरसा, और तानसेन की जलने से मृत्यु हो गई। ऐसा बताते हैं कि ऐसा होता। अब ये पॉसिबल कैसे? बिल्कुल पॉसिबल है। कभी सुना होगा कि आर्मी जब किसी पुल से जाती है तो कदम तोड़ करवा देते हैं। वैसे कदम ताल चलता है, क्योंकि जब आप करते हो तो एक ध्वनि की तरंग निकलती है। अब एक आर्मी का पैर जाएगा तो एक फ्रिक्वेंसी निकलेगी उसी टाइम पर और दूसरी। तो एक होता है व्यतिकरण, सुपरपोजिशन शब्द देखा होगा, कि एक वेव के समय अगर दूसरी वेव आ जाती है तो वो डबल हो जाती है, उसी समय तीसरी। तो अगर 100-200 आर्मी वाले किसी पुल के ऊपर से जा रहे और सबकी ध्वनि तरंग जुड़ गई तो इतनी शक्तिशाली वेव बन जाती है कि पुल टूट जाता है। इसलिए कदम तोड़ कर देते कि सब अलग अलग टाइम पर पैर रखो, तो ध्वनि एक दूसरे में नहीं जुड़े। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इंटरफेरेंस पढ़ा होगा कि एक वेव के साथ एक और वेव आ जाए तो उसमें कुछ नहीं करना। तानसेन ने एक राग गाया तो उसमें एक साउंड वेव निकाली, फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरी साउंड वेव भी ऐसे निकालते हैं कि दोनों फ्रिक्वेंसी जुड़ जाए। तो सिंगर को पता रहता है ना कौन से नोट में गा रहे हैं, उनका कुछ पता रहता है, स्केल विस्केल जो भी बोलते रहते हैं। सारे गामा पा में ऐसे तो बोलते हैं आपका थोड़ा सा स्केल हिल गया था, अपन को तो कुछ समझ में नहीं आता, पर सिंगर्स को समझ में आता है। मतलब वो जो भी गाते एक फ्रिक्वेंसी से गाते हैं, है ना। तो फ्रिक्वेंसी अगर मैच करते रहो तो वो फ्रिक्वेंसी बादलों तक पहुंच जाती है, और बादल को वो फ्रिक्वेंसी हिला देती है, और बादलों में जो पानी है वो सब नीचे गिर जाता है। उसी को मेघ राग कहते हैं। वो वही गा सकता है जिसको इतनी प्रैक्टिस हो फ्रिक्वेंसी की। उन्हें अपनी बेटी को सिखा दिया था, एक दो बार वर्षवा दिया होगा, पर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। दो बेटियां थी, दोनों में से कोई ढंग से मेघ राग, हाँ, उन्हें शुरू किया पापा जल रहे और डर डर के गा ही नहीं पाए, और तानसेन की जलने से मृत्यु हो गई। तो वो तानसेन बघेल राजा के यहाँ उमरिया में रहते थे। उमरिया में भी कौन सी जगह? बांधवगढ़। अब क्वेश्चन आता कि इसका नाम बांधवगढ़ क्यों है? क्योंकि राम ने लक्ष्मण से कहा था अपने भाई से कि तुम इस पहाड़ी पे चढ़ के देखो कि सीता माता कहाँ है, या रावण क्या कैसा है, ऐसा कुछ। एक ऊंची पहाड़ी है जहां लक्ष्मण लंका पर नजर रखते हैं, ऐसा लिखा है रामायण में। तो इसी लाइन को कई लोगों ने बनाया और बोला कि जो लंका थी वो श्रीलंका में नहीं थी, वहीं कहीं झारखंड छत्तीसगढ़ के आसपास थी, क्योंकि बांधवगढ़ की पहाड़ी से चढ़ के तुम श्रीलंका नहीं देख सकते। तो इसी को किसी ने आधार बना के बोल दिया कि दंडकारण्य के जंगलों में कहीं रावण रहा करता था, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का जंगल, वो बोलते वहां कहीं रावण रहा करता था। तो बांधवगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि राम ने अपने बंधु बांधव
लक्ष्मण से बोला था कि यहाँ जाके लंका पर नजर रखो। तो राम और लक्ष्मण की वजह से जगह का नाम क्या रख दिया? बांधवगढ़। तो उमरिया में एक जगह है बांधवगढ़, जो रामायण के टाइम की है। सब फ्लाइट मोड पे डाल लो अपना अपना मोबाइल। डला है ना? देखो मैंने बोला अभी भी मोबाइल नहीं है, सब फ्लाइट मोड पे डले। चलो अब वैसे भी नंबर मैंने बदल दिया है। हाँ नंबर बदल दिया है मेरा। जो नंबर है वो आदित्य सर के मोबाइल में डला हुआ है, जो आदित्य सर मोबाइल चला रहे हैं उस सिम में, उस मोबाइल में मेरी पुरानी सिम डली है। मैंने उनसे कहा वो बंद कर दो, अभी दो तीन महीने पढ़ा ले फिर नंबर खोलेंगे। तो अभी किसी के पास मेरा नंबर है ही नहीं, किसी के पास नहीं, केवल स्टाफ के पास है। पापा के पास भी नहीं है, मम्मी को बस दिया भी, पापा को भी नहीं दे पाए, दीदी को दे दिया और मम्मी। ऐसे पापा से ज़्यादा बात होती नहीं, जो भी बातचीत है मम्मी से होती है, मम्मी मैसेज पहुँचा देती है। इतनी हिम्मत हो ही नहीं पाती। पापा जैसे पूछते हैं यही पूछते हैं, खाना खा लिया? हाँ। आपने खा लिया? हाँ। पापा ने पूछा कैसे हो? हमने ठीक है। हमने आप कैसे हो? ठीक। तो मेरा तो ये जो पापा बोलते हैं वही बोलते जाओ। हाँ पापा ने जैसे अभी दोपहर अगर फोन आएगा खाना खा लिया? मैंने कहा हाँ खा लिया। फिर इतना और पूछना आपने भी खा लिया कि नहीं? पापा पूछते कैसे तबीयत ठीक है? मैं कहा हाँ ठीक है। आपकी तबीयत कैसी? ठीक है। बस फिर मैं वेट करता अब पापा क्या बोल रहे हैं। तो पापा ने जैसे बोला ठीक है रख रहे, तो मैं ठीक है रख रहे। तो मेरी पापा से बस इतनी बात होती है, मम्मी से बहुत बात होती है। मम्मी फिर सुनाती मोहल्ले की, पता है वो बगल वाली। तो मम्मी से मेरी ऐसी बात होती है, बड़ी स्पीकर में ऑन रख दिया, अपना नोट्स बनाते जा रहे, मम्मी सुना रहे। अरे वो चाची है ना, चाची वो आई थी तो उन्हें वो अपने जो गोल्ड वोल्ड, मम्मी का गोल्ड का शौक है, बना दी। अपन ने दिखाया वो जल गई थी, पता अच्छा मम्मी। तो मम्मी पूरी बातें मुझसे शेयर करती, मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा वो सामने वाली है ना, उनके थोड़े पैसे आ गया तो भाव बढ़ गया, अब सीधे मुँह बात नहीं। ठीक है मम्मी नहीं करो। तो मम्मी मुझसे अपनी पूरी बातें बताती है, क्योंकि दीदी से भी उनकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, छोटे भाई से नहीं, मुझसे बहुत होती है। तो मम्मी को घंटों मुझसे ही बात करनी होती है। अब वो पूरा चिट्ठा विट्ठा जैसा महिलाओं को कारण है, क्योंकि महिलाओं को अगर घर से बाहर नहीं निकलने दोगे तो और क्या होगा? यही तो होगा, यहाँ क्या चल रहा वहाँ क्या चल रहा। अगर वही वर्किंग वुमेन होती तो उन्हें थोड़ी मतलब उनसे कोई बोले भी अरे छोड़ो यार हमें टाइम नहीं है। अगर किसी ऑफिस में कंपनी में या काम कर रही होती तो महिलाओं को, तो महिलाओं का जो ऐसा नेचर है ना वो इसलिए कि उनका ये काम है। तुम ऐसा करो पुरुषों को बोलो तुम दिन भर घर पर रहो, घर के काम करो, और तुम पुरुषों की आदतें देखना, वही चुगली, जो घर पर रहेगा वही चुगली करेगा। पत्नी को ऑफिस से काम करने दो और पति को घर जमाई बना दो, फिर पति आगे शिकायत करेगा सुनो जी हाँ सासू मान। हाँ उल्ट और क्या, तुम जैसा काम दोगे जैसे रोल दोगे वैसा नेचर हो जाता है। इसमें ये नहीं कि महिलाओं का ही नेचर है, जिसको तुम घर गृहस्थी का काम दोगे उसका यही नेचर होगा, और जिसको बाहर भेजोगे वो ओपन माइंड होगा, ठीक है हो जान दो कोई दिक्कत नहीं ऐसा होगा। तो अभी पुरुष बाहर काम करते इसलिए उनकी थोड़ी सी ओपन सोच है, और महिला दिन भर घर में रहती है। तो आप जितना बाहर दुनिया को देखोगे उतना ही समझ पाओगे, मम्मी वगैरह दिन भर घर पर रहती है तो उतना नहीं समझ पाती है ना। जैसे मम्मी से बोले इतने खर्च हो गए, हमने इतना पैसा जोड़ जोड़ के, देखो पुरानी साड़ी पहन रहे इतना, तो मम्मी ठीक है मम्मी तुमने बाहर देखा नहीं है क्या है। जैसे जैसे कोई लड़की है एकदम से सूट पहनते पहनते जींस में आ जाए, मम्मी कहे भगवान लड़की बिगड़ गई। अब मम्मी को ले जाओ कनाट प्लेस जहां लड़की पी रही हुक्का। बोले हम ऐसे बिगड़े नहीं है, केवल जींस ही तो पहना है। तो जिसने दुनिया देखी होगी वो कुछ नहीं कहता, पर जो दिल्ली में गुड़गांव में जाए, वहां गुड़गांव में बाहर इंटरवल में सब लड़कियां सिगरेट पी रही, सब उन्हें लग रहा है बहुत कूल है, कुछ नहीं है। चलो अब यहां देखो, तो रामचंद्र के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। अकबर के डर के मारे इनने अपनी कैपिटल कहाँ ले आए? उमरिया। पहले गहोरा थी, गहोरा से आ गई उमरिया। उमरिया में भी कहाँ पर? बांधवगढ़। इसका नाम बांधवगढ़ क्यों पड़ा? राम और लक्ष्मण की वजह से पड़ा। बांधवगढ़ में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जहाँ सबसे ज्यादा टाइगर है और सबसे ज्यादा डेंसिटी में भी टाइगर है, संख्या भी सबसे ज्यादा यहीं पर है, और प्रति किलोमीटर हर 5 किलोमीटर में एक टाइगर मिलता है। इतना एरिया एक टाइगर को चाहिए पड़ता है, एक टाइगर को लगभग 5 किलोमीटर का एरिया चाहिए पड़ता है। एरिया बोल रहे, 5 किलोमीटर लंबाई नहीं बोल रहे, 5 किलोमीटर का एरिया मतलब होगा 2 किलोमीटर मान लो, 2 किलोमीटर 2 × 2 कितना हो जाता? 4 हो जाता है, तो 2.3 × 2.3 लगभग हो जाता है 5। तो ऐसे कुल मिला के उसे 2.3 का एक सर्कल चाहिए, इतना तो चाहिए ना उसे हिरन वरन मारने के लिए, पानी वानी पीने के लिए। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी में टाइगर बांधवगढ़ में, और सबसे ज्यादा नंबर्स में भी जब पिछली सेंसस हुई थी, मतलब इस जनगणना से पहले, इस बाघों की गणना से पहले, पहले कान्हा किसली में सबसे ज्यादा टाइगर होते थे और डेंसिटी सबसे ज्यादा बांधवगढ़ में होती थी।
अब संख्या भी बांधवगढ़ में हो गई है और डेंसिटी भी बांधवगढ़ में होगी। तो बांधवगढ़ का किला भी फेमस है, बांधवगढ़ का नेशनल पार्क भी फेमस है। बांधवगढ़ में क्या है कि अब नाइट सफारी हो गई, मतलब आप रात को भी रुक सकते हो। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अब रात को पर्यटकों को हो गया। इसके अलावा आप कोर एरिया जहां जानवर रहते हैं वहां भी जाने की परमिशन मिलने लगी, जंगल सफारी। तो बांधवगढ़ में बैलून सफारी भी हो गई, इसमें बैलून से आपको पूरा बांधवगढ़ घुमाएंगे, मैं कभी ना जाऊं। सबसे ज्यादा डेंसिटी पे टाइगर, अगर बैलून नहीं उड़ा और किसी कांटे वाले पेड़ से फस हो गया और सीधे टाइगर के सामने गिरा, टाइगर ऐसा बैठा है और बहुत सफारी में निकल रहे थे। जिस नेशनल पार्क में टाइगर रहते हैं मैं वहां बैलून सफारी में कभी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो हवा खत्म हो गई, कुछ हो गया और तुम नीचे टपके, और तुम्हें पता सबसे ज्यादा डेंसिटी यही है, हर 2 किलोमीटर में एक शेर रहता ही है, वो 2 किलोमीटर दौड़ने में कितना टाइम लगता है, पेड़ में शेर चढ़ जाता है, तुम टेंशन मत लो। जो टाइगर लॉयन नहीं, टाइगर होता है ना, वो पेड़ पे बराबर चढ़ जाता है। तो तुम्हें लगता है हमें क्या, हम तो पेड़ में चढ़ जाएंगे, तुमसे तेज बहुत चढ़ जाएगा। वो पेड़ पे चढ़ के बंदर खा लेता है, तुम तो फिर भी इंसान हो, समझ में आ गया। तो यहाँ बैलून सफारी हो गई है शुरू, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जीवन में एक ही चीज से डर लगता है, मरने से। इतना पढ़ लिखे गए मरने के लिए थोड़ी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बाइक बहुत तेज या बहुत ज्यादा एडवेंचर बिलीव नहीं करता। ये मरना नहीं है अपन को, अपन को जीना है, इंजॉय करना, मतलब जीना है कम से कम, ये तो है अपनी मेहनत का फल देख सके। उन्हें कहा बाइक चला रहे थे, ट्रक के नीचे आ गए, मर गए, इसीलिए पैदा किया घर वालों ने। उन्हें कहा बड़े हुए स्कूल में, बड़ी मुश्किल से पास आस हुए, कॉलेज पहुंचे, मर गए, है ना। तो ऐसे जीना है। तो बांधवगढ़ में नहीं, कई लोगों की डेथ हो जाती है, कोई किले से कूद रहा, बोले सेल्फी ले रहा, ए काई की सेल्फी, मैं एक हाथ दूर से सेल्फी लेता हूँ, अगर वहां मैं इतनी दूर से लेता हूँ सेल्फी, बॉर्डर से बहुत दूर, कहा पता एकदम से आंधी चल जाए। वजन मेरा 71 है, पर आंधी तूफान तो कितनी तेज भी हो सकती है, इसलिए अपन ऐसे रिस्क वाले कभी काम ना करते ना करने देते, क्योंकि अगर चलो मरे नहीं तो मैं कैसा लगता है, एक हाथ नहीं है, एक हाथ कैसा जीवन होगा तुम्हारा। तो लाइफ बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए, बिल्कुल सुनो। तो उमरिया में बांधवगढ़ 2 जगह से फेमस है, रामचंद्र की राजधानी भी रही और सबसे ज्यादा टाइगर वाला नेशनल पार्क भी है, सबसे ज्यादा भी है, सबसे ज्यादा डेंसिटी भी है बांधवगढ़ में, ठीक है। तानसेन यहीं से आए, ठीक है। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये जो बांधवगढ़ का किला है बहुत सेफ माना जाता है, इसलिए राजा रामचंद्र अकबर से डर के कहां गए, बांधवगढ़ में, क्योंकि ये 32 पहाड़ियां इसके चारों ओर से घिरी है। तो ये जो किला बना हुआ है बांधवगढ़ का, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये पता नहीं किला कितना पुराना, क्योंकि पता नहीं किला बनाया किसने, ये आज तक नहीं पता चला कि बांधवगढ़ का किला बनवाया किसने, राजा थे मोहन, हम हाँ उसका वो रीवा में पढ़ेंगे, रीवा संभाग में पढ़ेंगे, वो रीवा के राजा ने भी वहीं से पकड़ा था, बांधवगढ़ से नहीं पकड़ा था। चलो इसके बाद उमरिया में एक जगह है ताला, उमरिया में एक जगह है ताला, ताला में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, वहां कई तरह की स्पीसीज मिलती है, इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ट्रेनिंग सेंटर है। तो उमरिया जिले के ताला नामक जगह पर जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र, बायोडाइवर्सिटी ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। कहाँ पर है, ताला में। ये स्लाइड मैंने बनाई थी, फोटो बहुत अच्छी दिखाता है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है, एक क्लास दूसरी क्लास में 30 मिनट का टाइम मिलता है। अगला उमरिया में, अब ये मेंस का 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर तुम लोगों की क्लास और अच्छी होगी, अभी वैसे भी तो ये पूरा रटा हुआ है मुझे, इसलिए दिक्कत नहीं जाती, पर और अच्छा प्रेजेंटेशन, और अच्छी पिक, और अच्छी कहानियाँ, की कहानियों से वो परमानेंट याद हो जाता है। उमरिया में सरकारी कारखाना है लाख का, लाख से क्या बनती है, चूड़ी, लाख से बनती है महावर, जो पैरों में महावर लगाते हैं वो लाख के कीड़े को पीस के बनाते हैं। तो लाख का कीड़े लेते हैं और उसको ऐसे कूटते हैं, तो लाल कलर का रंग निकलता है, उसी को बोलते हैं महावर। लाख से ही बनती हैं चूड़ियाँ। तो लाख एक कीड़ा है जिसकी लार ग्रंथियों से जो सीक्रेट होता है उसी से बनता सब। तो लाख का कीड़ा सब बहुत सस्ता, बहुत सस्ता, और बहुत ही सस्ता, इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा लाख इंडिया में, ध्यान रखना, दुनिया में सबसे सस्ती धातु अभ्रक है, माइका। तो सबसे ज्यादा माइका कहाँ है, इंडिया में। गोल्ड अपने यहाँ सबसे ज्यादा नहीं है, सिल्वर भी नहीं है, कॉपर भी नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं है, कहाँ है, माइका। दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ है, लाख। दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर इंडिया में, सबसे ज्यादा जानवर।
इतने जानवर के लोग पाल नहीं पा रहे, सड़कों में छोड़ देते, जैसे दूध देना बंद कर देते गांव को, गायों को छोड़ देते, समझे? क्योंकि हमारा ध्यान इस पे नहीं है कि गाय से कितना दूध मिले। हम तो बहुत सारी गाय रख लेते हैं, दूध लेते रहते हैं, जब दूध बंद होता है तो छोड़ देते, पर जब बच्चे बच्चे का जन्म देके वापस दूध देने लगते हो फिर ले आते। इंसान कितना विश्वसनीय है, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा लाख हमारे इंडिया में होती है, और लाख की जो सरकारी फैक्ट्री है एमपी में वो उमरिया में, लाख से चूड़ी बन सकती है, बार्नेस बन सकता है और महावर बन सकता है, ठीक है? शादियों में लगाते हैं ना महावर, दूल्हा दुल्हन को वगैरह। चलो अब सुनो, और 8th क्लास में मेरे एक दोस्त को हुई थी, दो भाई थे, पप्पू संतोष, उसका नाम सच में पप्पू था, उसकी 8th क्लास में हुई, हमें नहीं पता था, शादी हो गई थी। यादवों में एक कस्टम है, एक रिवाज है कि जब तक भाई की शादी नहीं होगी तब तक बहन की शादी नहीं हो सकती, तो भाई चाहे जितना छोटा उसकी शादी करानी पड़ती है। उसकी बहन बड़ी हो गई थी इसलिए उसकी 8th क्लास में ही शादी हो गई, मुझे नहीं पता था, पर हम लोग तो छोटे छोटे थे, 8th क्लास में थे। मेरे पापा गए थे शादी में, क्योंकि मेरे पापा उनके पापा दोस्त दोस्त रहे होंगे, तो उनने बताया अगले दिन कि तुम्हारा जो बैचमेट उसकी शादी हो गई। दोनों भाई मेरी क्लास में पढ़ते थे, पप्पू और संतोष, दोनों 8th में फेल हो गए पर कभी पढ़ नहीं पाए। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि अगले दिन मैंने क्लास में सब जगह बोल दिया कि जो दो भैया ने उनकी शादी हो चुकी है परसों, उस दोनों मिली थी दहेज में साइकिल। वो कैसे पता किया? महावर से, कि दूल्हे को महावर छूटता नहीं है। तो सबने क्या किया, पता करवाना। वो आया भी नहीं रहते स्कूल में, जबरदस्ती शरमाते शरमाते आए। कुछ सोचा 13-14 साल की बच्चे की शादी करा दो, नहीं लगेगा अजीब सा, पर महावर से ही पता चला था। तो वो महावर किससे बनती है? लाख से, ठीक है? बाल विवाह तो कॉमन है। अब देखो सुनो, यहाँ पर जोहिला नदी है, कॉमन है बाल विवाह राजस्थान में, हर पुष्य नक्षत्र में बाल विवाह की शादी, मतलब बाल विवाह बच्चों की शादी होती है, है ना? बच्चों को बहला फुसला के शादी करा दे, छोटा सा बच्चा 5 साल का, चलो चलो आज तुम्हें गुड्डा दिलाएंगे, तुम्हें गुड़िया दिलाएंगे, ऐसे शादी करा देते। उन्हें नहीं पता क्या होता। तो देखो यहाँ जो जोहिला नदी है ना, तो अब देखो नदियों में ही कोयला क्यों मिलता, प्रॉब्लम क्या? देखो क्या होता है, जब इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट से टकरा रही थी, क्या हुआ, आज से करोड़ों साल पहले, ये तो समझा सकते हैं, आ गया, समझो ये नदियों में ही कोयला क्यों मिलता है। वैसे तो मलकी सर पढ़ाई रहे ज्योग्राफी, यहाँ देखो, जैसे क्या हुआ, ये बहुत बड़ा एक चट्टान का टुकड़ा है, और चट्टान के टुकड़े को प्लेट बोलते हैं, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा सुन लो, चट्टान का टुकड़ा है उसे बोलते हैं प्लेट, और इस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया है, तो एक पूरा चट्टानी टुकड़ा है जिसमें यूरोप भी बना है और एशिया भी, और इससे टकराया भारतीय प्लेट, इससे कौन टकराया? भारतीय प्लेट, और भारतीय प्लेट खुद तीन छोटी छोटी प्लेटों से बना है, जो इंडियन टुकड़ा है चट्टान का, ये खुद तीन प्लेटों से बना। तो जब इससे टक्कर हुई तो जो दरारें थी उन दरारों में पेड़ नीचे चले गए, जहां ये दरार है, और जब टक्कर आएगी तो कई जगह दरार और आ जाएंगी ऐसे। तो जब इंडियन प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टक्कर होगी तो इन प्लेटों के बीच बीच में क्या आ जाएंगी, ये दरारें कई किलोमीटर की, और इनमें क्या चला गया, पेड़। जैसे एकदम से ये पूरा फ्लोर नीचे चला जाए तो सब नीचे धस जाएंगे कि नहीं? तो ऐसे ही पहले हुआ होगा कि सैकड़ों किलोमीटर की जमीन कहाँ चली गई, नीचे। तो उनमें जंगली जंगल तो रहा होगा, पहले क्या रहता था, जंगल, तो सारे पेड़ कहाँ चले गए, नीचे, नीचे चले गए, बाद में मिट्टी विट्टी ढक गई, उन्हीं खाई में पानी आनी भर गया तो वो नदी बन गई। पर वो जो पेड़ नीचे गए थे वो कई हजार लाखों सालों के बाद कोयले में बदल गए। तो जितनी भी रिफ्ट वैली है, ब्रंस घाटी है, दरार घाटी है, सब में कोयला ही मिलेगा, सब में क्या मिलने वाला है, कोयला। तो ऐसी जो जोहिला नदी है उसमें भी दरारी नदी है और उसमें कोयला भरा पड़ा है। उस पूरे उमरिया और जोहिला वाले से कोयला उठाते हैं, और वहीं बगल में एक थर्मल पावर प्लांट है वीर सिंहपुर। तो जोहिला का पूरा कोयला उमरिया में वीर सिंहपुर थर्मल प्लांट में, संजय थर्मल प्लांट है उसका नाम, वीर सिंहपुर गांव में संजय थर्मल पावर प्लांट, उसमें डाल देते हैं। जैसे शहडोल का पूरा कोयला सुहागपुर से लेते हो और अमरकंटक में ले आते हो, ऐसे जोहिला नदी का पूरा कोयला निकाल लेते हो। जोहिला नदी का कोयला है वो वीर सिंहपुर गांव में, और वहां से पूरा कोयला लेके संजय थर्मल पावर प्लांट में डाल देते हो।
दो पावर प्लांट तो तुम्हें याद हो गए, कौन कौन से? अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट सैडोल और संजय थर्मल पावर प्लांट उमरिया। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट में कोयला कहां से आ रहा था? सुहागपुर सैडोल से। और संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट से? बीर सिंहपुर में जोहिला नदी से। ठीक है, पीएससी में पिछले साल ही पूछा कि तीन थर्मल पावर प्लांट के नाम बता दो, बस तो वैसे ही याद हो जाएंगे। चलो कामया, तो यहां तो सैडोल ही चल रहा था ना, कल वाली स्लाइड सही थी। बांधवगढ़ पढ़ी लिया था, जैव विविधता पढ़ लिया था, बीर सिंह पढ़, यहां से पढ़ना है ना। तो यहां कौन सा थर्मल पावर प्लांट है? संजय गांधी। तो संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट होगा और पूरा कोयला जोहिला से आ रहा है, पूरा जोहिला से। ये संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट है जहां बिजली बन रही है कोयले से। बांधवगढ़ नेशनल, हाँ, अब जिस नेशनल पार्क में एक विष्णु जी की प्रतिमा है, ये लेटे हुई विष्णु जी की प्रतिमा है जिसे शेष शाही तालाब बोलते हैं, क्योंकि विष्णु जी किस पर लेटते हैं? शेषनाग पर, इसलिए इसका नाम शेष शाही तालाब है जिसमें विष्णु जी की प्रतिमा है। ये शेष शाही तालाब है, इसमें विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा है और ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जिसमें विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा है और इस तालाब का नाम क्या है? शेष शाही तालाब। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में ही है। इसके अलावा यहां पर चलो क्वेश्चन का भी बन मंदिर है बस एक, हाँ, बांधवगढ़। अब बांधवगढ़ इनहेरिटेंस, ये नाम गलत लिखा है, बांधवगढ़ इनहेरिटेंस नाम की किताब लिखी बिट्टू सैगल। तो बांधवगढ़ के बारे में किताब लिखी है बांधवगढ़ इनहेरिटेंस, वो गलत लिखा है। बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एक बुक लिखी है, वो किसने लिखी है? बिट्टू सैगल ने, जिसमें बांधवगढ़ की पूरी जानकारी है। तो उमरिया में सबसे फेमस जगह है बांधवगढ़, राजा रामचंद्र की कैपिटल बांधवगढ़। बांधवगढ़ राम राम और लक्ष्मण जी की वजह से पड़ा है। बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा टाइगर है, सबसे ज्यादा डेंसिटी में टाइगर है। इसके बाद बांधवगढ़ में बायोडाइवर्सिटी ट्रेनिंग सेंटर ताला, उमरिया में एक जगह है ताला, वहाँ बायोडाइवर्सिटी ट्रेनिंग सेंटर है। उमरिया में कोयला निकालते हो जोहिला से और बिजली बनाते हो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र थर्मल पावर प्लांट। यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एक तालाब है शेष शाही तालाब, शेष नाम की वजह से उसका नाम शेष शाही, वहाँ विष्णु जी लेटे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस तालाब में शेष नाग जी रहते हैं, है ना। ऐसे तुम्हें जम्मू कश्मीर में कई सारी नदियां मिलेंगी, झील मिलेंगी जिसमें तुम्हें सांप दिखेगा, ऐसे स्ट्रक्चर है कि तुम्हें सांप दिखेगा। ऐसा मानते हैं कि यहाँ मतलब ऐसा लगे स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें, तो तुम जब तालाब का पानी इतना साफ है नीचे लगा कि शेष नाग कई फन वाले हैं, मैं कभी ना उतरूं, है ना। अगर सच में निकल आया तो क्या देखा, अगर सच में शेष नाग जी निकल आए सांप, अरे वो ऐसा हो सकता है सांप अंडे देते हैं, सुन सुन, सांप अंडे देते हैं तो हो सकता है उस छोटी सी जगह में अंडा नहीं, पांच फन वाला ऐसे अलग अलग थे, फोटो है नहीं यार, मैं नहीं मान सकता, मान सकते मैंने, तुम बहुत छोटे रहे होगे, हाँ, तो कुछ भी पहला फसला दिया। चला चलो, तो उमरिया याद हो गया, लाख का सरकारी कारखाना है, लाख से क्या क्या बनाते हो? लाख का, लाख पौधे से मिलता है, कीड़े से, लाख किससे मिलता है? जिसको मार के तुम्हें लाख मिलता है, जैसे रेशम को मार के रेशम का कीड़ा। तो जितने शाकाहारी बनते हो, अगर तुमने रेशमी रूमाल, रेशम का पर्स, रेशम की साड़ी पहनी हो तो तुम शाकाहारी नहीं हो, कि हजारों लाखों कीड़े मारने के बाद थोड़ा सा रेशम मिलता है। तो चाहे कीड़ा खा जाओ चाहे कीड़ा पहन लो, बात तो एक ही है, कीड़ा तो दोनों में मरेगा। तो उमरिया याद हो गया, चलो क्लियर। अब चलते हैं दूसरे संभाग में। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए जिले? उमरिया, उसमें शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर।